आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। भाई और बहनों, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में पहली बार हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार संविधान पर आक्रमण हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के नेताओं ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को रद्द कर देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। अब सबसे पहले ये जो संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। और लोग कहते हैं कि ये संविधान आजादी के टाइम बना था, मगर वो सही नहीं है, क्योंकि इस संविधान में जो सोच है वो आजादी से बहुत पुरानी सोच है। वो गुरु नानक जी की सोच है, उसमें हिंदुस्तान के अलग अलग महापुरुषों की सोच है। फूले जी की सोच है, गांधी जी की सोच है, बुद्धा की सोच है, नारायण गुरु, बसवाना, अलग अलग महापुरुषों की सोच इसके अंदर है। और जब बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो वो हिंदुस्तान के इतिहास पे, हिंदुस्तान की हिस्ट्री पे, हिंदुस्तान का जो दिल है उस पर आक्रमण कर रहे हैं। तो इस चुनाव में सबसे जरूरी बात अंबेडकर जी का, गांधी जी का जो संविधान है, उसकी रक्षा करने का मिशन है। और हम सब मिलकर, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता, हम सब मिलकर जनता के साथ ये काम पूरा करेंगे। शहीद भगत सिंह जी की बात करते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए, ये बिल्कुल सच है, मगर ये नहीं कहा जाता कि वो एक बहुत गहरे पॉलिटिकल थिंकर थे। और अगर आप उनकी सोच को देखें तो उनकी भी सोच संविधान में रिप्रेजेंटेड है। तो इसलिए मैं यहां आया हूं आपसे कहने कि जो भी हिंदुस्तान के लोगों को मिला है, दलितों को मिला है, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग को, किसान को, जो भी मिला है, जमीन का हक हो, रिजर्वेशन हो, पब्लिक सेक्टर हो, जो भी मिला है, इस किताब के माध्यम से मिला है। और आज बीजेपी के लोग खुलकर इस पर आक्रमण कर रहे हैं। आपके सवाल हो, दो तीन सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहें, पूछिए प्लीज, मैं आपके जवाब देता हूं। एक सेकंड माइक दे देंगे आपको। कौन कौन सवाल पूछेगा, यहां से पूछेंगे, बोलिए बोलिए। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। बेनती है तुसी असी तुहानू कामयाब बनावांगे। देखो इहनां बीबीआं दी 400 रुपया दिहाड़ी होणी चाहीदी आ। बच्चे साडे भुखे मरदे आ, उहनां नूं नौकरियां दिओ। उहनां दे बच्चिआं दी जिंदगी ज्यादा खराब होई आ, नशे तुसी बंद कराओ। देखिए, थोड़ी थोड़ी मैं पंजाबी समझ जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों के लिए सरकार चलाई, अरबपति बनाने का काम किया है। मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए मिलते हैं। 4 जून के बाद हिंदुस्तान के सब लोग जो मनरेगा में काम कर रहे हैं उनको 400 रुपए मिलेगा। हमने कह दिया है उसको कर देंगे। दूसरी बात, आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी जो आमदनी है, हमें लगता है कि वो बहुत कम है, 4 जून के बाद उसको भी हम दुगना कर देंगे। और आखिरी बात, सरकारी ऑफिस में, पब्लिक सेक्टर में नया फैशन बना है कि मजदूरी टेम्प्ररी बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे करी जाती है।
हम इसको बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई भी सरकारी ऑफिस में काम करे, पब्लिक सेक्टर में काम करे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से काम ना करे, वो परमानेंट बेसिस से काम करे, उसे इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, पेंशन मिले। तो ये भी हम करने जा रहे हैं सरकारी ऑफिस में और पब्लिक सेक्टर में। हम ठेकेदारी प्रथा को बंद कर रहे हैं और परमानेंट जो पहले होता था परमानेंट नौकरी हम फिर से दिलाने का काम करेंगे। जहां तक आपने ड्रग्स की बात कही है, ये बात सबसे पहले मैंने यहाँ पंजाब में आकर उठाई थी और लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पंजाब से जो ड्रग का मैनेज है इसको मिटाना है और इसमें कांग्रेस ये काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है और ये लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। तो ये जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी जो आने वाली है तब हम इसको बिल्कुल तेजी से मिटा देंगे। वो तो आएगी आएगी आएगी। धन्यवाद। ये आपने बिल्कुल सही बोला है कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को रोक दिया है और जो छोटे बिजनेस वाले हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले हैं, हाथ से जो काम करते हैं उनको सबको खत्म कर दिया है। दो तीन तरीके से किया है। सबसे पहले उन्होंने पूरा का पूरा सपोर्ट अदानी जैसे लोगों को दिया है। अब अदानी जैसे लोग जो है जब ये इनको पैसा देते हैं तो ये पैसा हिंदुस्तान में खर्च नहीं करते, ये पैसा अमेरिका में जाके, जापान में जाके, दुबई में जाके लोग खर्च करते हैं। तो इससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का फायदा नहीं होता, पहली बात ये। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने छोटे व्यापारियों को मारने के लिए गलत जीएसटी और नोटबंदी की। मीडिया कहता है कि नोटबंदी और जीएसटी से देश को फायदा हुआ है, मगर सच्चाई है और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि नोटबंदी और जीएसटी ने हिंदुस्तान का नुकसान किया और खासतौर से जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको खत्म किया। अब देश में रोजगार छोटे बिजनेसेस देते हैं, अंबानी जी देश को रोजगार नहीं देते, अडानी जी रोजगार नहीं देते। तो मैं आपको अपनी सोच के बारे में बताना चाहता हूँ, हमारा प्लान क्या है। सबसे पहले किसानों को हम गारंटी कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं तो और उनका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। तो अब किसानों के जेब में इंडिया गठबंधन की सरकार पैसा डालेगी, पहला काम। दूसरा काम जो मैंने अभी आपको कहा, मजदूरों को 250 रुपए 400, आंगनबाड़ी और आशा महिलाओं को दुगना, उनके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। तीसरा, महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर प्रदेश में जो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके नाम लिस्ट पे आएंगे, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। एक युवा मिला सिविल इंजीनियर, वो कुली का काम कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। इसको हल करने के लिए पहला काम, 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले करने जा रहे हैं जो खाली पड़ी हुई है। दूसरा काम, पहली नौकरी पक्की, एक साल की नौकरी पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, बीएचईएल, एचएएल जैसे कंपनीज में, इंडियन ऑयल में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, सरकारी ऑफिसेज, सरकारी यूनिवर्सिटीज, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी अस्पतालों में ये नौकरियां मिलेंगी। ये नौकरी का अधिकार होगा,
तो कोई भी युवा एक साल का अधिकार मांग पाएगा, सरकार को देना ही होगा। महीने का 8,500 रुपए, साल का 1,00,000 रुपए, खटाखट 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 अंदर। अब मैं जानता हूं कि ये मीडिया वाले कहेंगे कि देखिए इंडिया गठबंधन की सरकार गरीबों की आदत बिगाड़ रही है। जब अदानी को पैसा मिलता है, अंबानी को पैसा मिलता है, तो ये कहते देखो देखो विकास हो रहा है, और जब गरीबों की जेब में पैसा जाता है तो ये कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रही है। तो मैं इनको मैसेज देना चाहता हूँ, आपको जितना बोलना है बोलो, ज्यादा बोला तो 1,00,000 से 2,00,000 कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से निकाला, गलत GST लगाकर, नोटबंदी, अदानी की मदद करके किसान का जो बिल लाए, जो आपने उनकी जेब से निकाला पिछले 10 साल, वो हम आपके जेब में डालना चाहते हैं। अब ये मत सोचिए कि हम सिर्फ आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं, हमारा एक और लक्ष्य, छुपा हुआ लक्ष्य। हम क्या करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने अदानी जी को पैसा दिया, अदानी जी ने उसको विदेश में खर्च किया, हम आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इस पैसे को यहीं खर्च करोगे, गांव में खर्च करोगे, शहरों में खर्च करोगे, हिंदुस्तान में खर्च करोगे। जैसे ही आप ये पैसा खर्च करना शुरू करोगे, कैसे खर्च करोगे, कोई शर्ट खरीदेगा, पैंट, जूते, कैमरा, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये चीजें खरीदोगे। जैसे ही आप ये चीजें खरीदना शुरू करोगे, इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ेगा। जैसे डिमांड बढ़ेगा, फैक्ट्रियां इन चीजों को बनाना शुरू कर देंगी, और उन्हीं फैक्ट्रियों में जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं, उनको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमारी सोच है कि हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करें। जैसे गाड़ी में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला जाता है, उसके बाद चाबी घुमाई जाती है। अब नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, पेट्रोल निकाल दिया गाड़ी से, आपके जेब में से पेट्रोल निकाल दिया, सबके जेब में से पेट्रोल निकाल दिया, और वहां बैठे चाबी घुमा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो इसलिए हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं, और हम लाखों करोड़ रुपए डालेंगे, किसानों को देंगे, मजदूरों को देंगे, छोटे व्यापारियों को देंगे, युवाओं को देंगे, महिलाओं को देंगे। उसके बाद जैसे ही हम चाबी घुमाएंगे, घर 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 स्टार्ट हो जाएगा, खटाखट 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 इंजन स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच है, और इससे पूरे देश के लोगों को फायदा होगा, अर्थव्यवस्था फिर से चालू होगी, और रोजगार युवाओं को मिलना शुरू हो जाएगा। मगर ये सब नहीं हो सकता अगर इसको मिटा दिया गया, अगर ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो आजादी से पहले जो होता था वो होगा, दलितों को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी, पिछड़ों को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, कोई अधिकार नहीं होगा, गरीब लोगों को कुचला जाएगा, किसानों को खड़े कर देंगे, मजदूरों को बंधा बिल्कुल बांध देंगे। तो ये इसको बचाना सबसे जरूरी है, और इसको अंबेडकर जी ने दिया, पूरी जिंदगी दी उन्होंने, गांधी जी ने पूरी जिंदगी दी। हमारी जो आजादी की लड़ाई थी, उसको आप आजादी की लड़ाई कह सकते हो, मगर सचमुच में वो संविधान की लड़ाई थी, इसके लिए वो लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये मैसेज देना चाहता हूं आपको कि ये सपना देख रहे हैं बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी जी कि हम सब तो जाइए। एक सेकंड बोल रहा हूं मैं। तो ये सपना देख रहे हैं कि हम एक बार फिर जैसे आजादी के पहले चलता था वैसे चलाएंगे, पूरी सरकार अदानी जी के लिए चलाएंगे, एयरपोर्ट उनको दे दिए, पोर्ट्स दे दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, डिफेंस इंडस्ट्री दे दी। आपको मालूम है अग्निवीर क्यों लागू किया? आप जानते हो अग्निवीर क्यों आया? जानते हो? मैं आपको बताता हूं, डिफेंस बजट में या आप हथियार खरीद सकते हो, या फिर आप जवानों की देखभाल कर सकते हो। नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी को डिफेंस इंडस्ट्री के सारे कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिए। आप इंटरनेट पे जाइए, पहले हिंदुस्तान की जो राइफल थी वो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, कारतूस जो थे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, हवाई जहाज HAL बनाता था। आज अगर आप जाएंगे अदानी डिफेंस को देखिए, इंटरनेट पे जाइए, अदानी डिफेंस टाइप कीजिए, अदानी डिफेंस हिंदुस्तान की राइफल बनाएगा,
सारे कारतूस बनाएगा, सारे शेल्स बनाएगा, सारे फील्ड गन्स बनाएगा, ड्रोन बनाएगा, हवाई जहाज बनाएगा, सारा का सारा अदानी डिफेंस बनाएगा। पूरी की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री अदानी जी को पकड़ा दी है, इन लोगों को पकड़ा दी है, पब्लिक सेक्टर को पहले कर दिया है और फिर कहते हैं कि हम दो तरीके के जवान बनाना चाहते हैं। मतलब पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये तीन कानून लाए किसान वाले, इन्होंने इनकी कोशिश थी किसानों को मजदूर बना दो। अब इन्होंने नई चीज की है, अग्निवीर योजना में जवानों को मजदूर बना दिया है। सेवा कि आप आओ, आप यहां तीन साल काम करो, उसके बाद झूठा मार के आपको बाहर भगा देंगे। दो तरीके के जवान होंगे, एक अमीर घर का बेटा होगा, एक अमीर घर का बेटा होगा, उसे पेंशन मिलेगी, उसे कैंटीन मिलेगी, अगर वो शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, कॉम्पेंसेशन मिलेगी, परिवार की पूरी रक्षा होगी और उसको फुल ट्रेनिंग मिलेगी। और गरीब घर के बेटे को कहते हैं कि भैया आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, चाइना के सामने खड़ा कर देंगे, चाइना के जो सैनिक है उनको 5 साल की ट्रेनिंग होगी, आप उनसे लड़ोगे, आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग, उनकी 5 साल की ट्रेनिंग, नतीजा सबको मालूम है। और जब आप शहीद हो गए तो हम आपको ना शहीद का दर्जा देंगे, ना कॉम्पेंसेशन देंगे, ना आपकी फैमिली की रक्षा करेंगे। तो दो तरीके के शहीद बना दिए हैं, एक अमीर घर का बेटा है, दूसरा गरीब। और गरीब वाले से कह रहे हैं कि भैया आपको 3-4 साल बाद निकाल देंगे, पेंशन नहीं देंगे, शहीद का दर्जा नहीं देंगे। ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ये सेना का अपमान है, देशभक्तों का अपमान है, आर्मी का अपमान है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला काम होगा अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। हमें दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक तरीके का शहीद चाहिए जिसकी रिस्पेक्ट हो। शहीद भगत सिंह जी जैसे, उनकी रिस्पेक्ट है, सब लोग इज्जत देते हैं। यहाँ पे अभी म्यूजियम बनाया, स्टैचू बनाई, स्मारक बनाया, हर शहीद की ऐसी इज्जत होनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले मैं एक अग्निवीर से जाके मिला, अग्निवीर के परिवार से जाके मिला जो शहीद हुआ। अभी उसको कॉम्पेंसेशन नहीं मिली है, उसको शहीद का कर्जा नहीं मिला है, उसको देश भूल गया, तो ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। इसलिए हम इसको फाड़ के फेंक देंगे, जैसे पहले हुआ करता था। जवान मजदूर नहीं होगा, जवान जवान होगा और जवान को पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी। धन्यवाद। हेलो सर, मैं वॉलीबॉल इंडिया नेशनल प्लेयर हूँ। हाँ जी, तो पंजाब दे विच बहुत नशा बढ़ गया, तो नौकरी भी नहीं मिलती पी, तो पंजाब नू गोल्ड सिल्वर सब कुछ देख लिया दबा के, तो सरकार नहीं कुछ कर रही। तो 23 ईयर मेरी ओल्ड जीयर्स हो